स्टैंडिंग वेव इन अ पाइप, इसको ऑर्गन पाइप भी बोलते हैं, सिंपल पाइप क्लोज्ड एट वन एंड एंड ओपन एट अनदर एंड, तो एक एंड से बंद है एक एंड से ओपन है। तो ऐसे केस में हम एक पहले जो केस ले रहे हैं एक एंड से ओपन एक एंड से क्लोज्ड, तो फॉर एग्जांपल जैसे बॉटल, एक बॉटल है और बॉटल के ऊपर एयर ब्लो करते हो तो वो आवाज़ निकलती है उसमें, और आवाज़ सीटी भी निकल आती है, मतलब सीटी बजती है, आवाज़ आती है, कुछ गूंजने की आवाज़ आती है, ऐसा आप देखा होगा। तो बेसिकली क्या होता है, वो जो लाउडनेस आ रही है वो स्टैंडिंग वेव अंदर जनरेट हो रही है नीचे, आप सीटी नहीं मारेंगे, आप एयर ब्लो करेंगे किसी भी बॉटल के ऊपर तो अजीब सी आवाज़ आती है, जैसे विस्लिंग आवाज़ या हमिंग नॉइस सी आती है कुछ, तो वो स्टैंडिंग वेव्स की अंदर स्टैंडिंग वेव। लेकिन आप हमेशा अगर आवाज़, अगर एयर ब्लो करते रहेंगे हमेशा आवाज़ आएगी ऐसा ज़रूरी नहीं, क्योंकि हर फ्रिक्वेंसी में बनती नहीं है, वो कभी कभी बनती है और एकदम आवाज़ कई बार गूंजती भी है उसमें। तो उसके उस केस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अभी दिखाता हूँ कैसे। तो स्टैंडिंग वेव इन अ पाइप, ऑर्गन पाइप क्लोज्ड एट वन एंड एंड वेरियस मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो अगेन सेम चीज़, मान लो एक पाइप है, एक एंड से बंद है एक एंड से ओपन है, आपकी साउंड जाती है लेफ्ट टू राइट, एंड बंद है टकराती है और वेव वापस आती है। जब फिक्स एंड से वेव टकराती है तो क्रेस्ट ट्रफ में कन्वर्ट हो जाता है, ट्रफ क्रेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो वाई नेगेटिव हो जाता है और वी टी माइनस एक्स की जगह वी टी प्लस एक्स हो जाता है। सेम केस है, जो पहले डेरिवेशन है सेम डेरिवेशन है। तो दोनों को अगर हम मिलाएं, सुपर पोजिशन सेम केस है, दोबारा करने की जरूरत नहीं है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी एग्जैक्टली सेम है, तो आपका ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ जाता है सेम है। बाउंड्री कंडीशन चेंज है, बाउंड्री कंडीशन में एक एंड क्लोज्ड है और एक एंड ओपन है। ओपन एंड में जो एयर का पार्टिकल है वो मैक्सिमम डिस्प्लेस हो सकता है, उसके पास जगह है डिस्प्लेस होने की, और फिक्स्ड एंड में जगह ही नहीं है पीछे जाने की क्योंकि एंड तो क्लोज्ड है। तो इसके फिक्स्ड एंड में हमेशा एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, जीरो, और ओपन एंड में पार्टिकल कैसे भी आगे पीछे मूव कर सकता है मैक्सिमम, तो यहां पर क्या होगा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, यहां डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल की मैक्सिमम, यहां पर जीरो। लेंथ पाइप की एल है, तो जो हमने रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाला उसमें पुट करके देखते हैं, तो उसमें जब मैंने एक्स को जीरो पुट किया, एक्स जीरो में साइन जीरो क्या होता है जीरो, तो देखो इसमें वाई की वैल्यू या एम्पलीट्यूड भी क्या आ गया जीरो, कंडीशन सेटिस्फाइड। लेकिन जब मैं यहां पर एल पुट करता हूं तो आंसर जीरो नहीं आना चाहिए पिछले केस की तरह, यहां पर क्या आना चाहिए वाई या एम्पलीट्यूड मैक्सिमम। अब मैक्सिमम साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है, जब साइन थीटा या प्लस या माइनस वन दोनों केस लिए जाएंगे। रीजन प्लस माइनस वन इसलिए क्योंकि एम्पलीट्यूड ए भी हो सकता है और माइनस ए भी, पार्टिकल ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी। मेडिकल के लोग याद रखेंगे साइन ऑफ ये थीटा प्लस माइनस वन कब होता है, जब एंगल ये क्या होता है टू एन माइनस वन इन टू पाई बाई टू, ये कंडीशन याद रखनी पड़ेगी, नॉन मेडिकल वालों को तो पता है। तो इसमें पाई से पाई कैंसल, क्या आ गया एल आ गया, राइट एल आ गया। फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में एन की जगह क्या पुट करेंगे वन, जब एन को वन पुट करेंगे तो आपके पास एल क्या आएगा लैम्डा वन बाय फोर। लैम्डा का मतलब दो लूप्स, लैम्डा बाय टू का मतलब एक लूप, लैम्डा बाय फोर का मतलब आधी लूप, लैम्डा बाय टू वन लूप, तो लैम्डा बाय फोर हाफ, एक लूप का भी आधा। तो डायग्राम ये बनेगा ना, देखो लैम्डा बाय फोर का, राइट क्लियर है यहां तक। फिर देखो लैम्डा बाय टू, ये लेंथ लैम्डा बाय टू होती है, हमने क्या बनानी है आधी काट दो लैम्डा बाय फोर, तो डायग्राम क्या बनेगा लैम्डा बाय फोर, क्लियर है। और वैसे भी इस केस में एक एंड पर नोड बनना चाहिए और दूसरे एंड पर एंटी नोड, ये बाउंड्री कंडीशन है, क्योंकि यहां पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होना चाहिए और यहां पर एम्पलीट्यूड जीरो। तो डायग्राम, पहला डायग्राम ये बनेगा, क्लियर है यहां तक। तो ये पहला डायग्राम है, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके लैम्डा वन आ गया, लैम्डा वन से न्यू वन क्या होता है वी बाय लैम्डा वन, लैम्डा वन की जगह पुट कर दो तो ये क्या आ गया पहली फ्रीक्वेंसी आ गई, जिसको क्या बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फॉर्मूला नोट करो वी बाय फोर एल। तो पहली जो आवाज सुनाई देगी इस केस में उसको हम क्या बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब है सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में एन की जगह यहां पर पुट करेंगे टू, जब हम यहां पर पुट करेंगे टू तो एल क्या आएगा थ्री बाय फोर लैम्डा बाय टू। अब थ्री बाय फोर क्या होता है 75%, अब मतलब या फिर ऐसा मान लें एक लूप का मतलब लैम्डा बाय टू, आधी लूप का मतलब लैम्डा बाय फोर, लैम्डा बाय टू प्लस लैम्डा बाय फोर क्या देगा थ्री बाय फोर लैम्डा,
और वैसे भी कंडीशन सेटिस्फाइड है, एक एंड पर नोड है, एक एंड पर एंटी नोड है। क्लियर है यहां तक? तो सेकंड डायग्राम क्लियर है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके लैम्डा 2 आ गया। न्यू 2 क्या होता है? वी बाय लैम्डा 2। लैम्डा 2 यहां से यहां पुट करके ये न्यू 2 आ गया। तो ये न्यू 2 आ गया, ये पहली फ्रीक्वेंसी न्यू 1 आ गई। न्यू 2 न्यू 1 को डिवाइड करके आंसर आएगा 3 इंटू न्यू 1। तो तीसरी फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? 3 इंटू न्यू 1। तो पहली फ्रीक्वेंसी क्या आई थी? न्यू 1। दूसरी फ्रीक्वेंसी क्या आई? 3 इंटू न्यू 1। 2 इंटू न्यू 1 नहीं, 3 इंटू न्यू 1। नेक्स्ट थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में एन की जगह 3 पुट करोगे तो 5/4। 5/4 कैसे बनता है? पूरा एक लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 4, क्योंकि लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 होता है लैम्डा। लैम्डा में ऐड करेंगे लैम्डा बाई 4, तो 5/4 लैम्डा। कॉर्नर पे नोड और यहां पर एंटी नोड, फिर नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड और नोड। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके लैम्डा 3, तो न्यू 3 इज वी बाय लैम्डा 3। लैम्डा 3 की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3। इस थर्ड फ्रीक्वेंसी को फंडामेंटल से डिवाइड कर लें तो वी बाय एल कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा? 5 इंटू न्यू 1। तो पहली फ्रीक्वेंसी क्या आई? न्यू 1। दूसरी फ्रीक्वेंसी क्या आई? 3 इंटू न्यू 1। नेक्स्ट क्या आई? 5 इंटू न्यू 1। नेक्स्ट क्या आएगी? 7 इंटू न्यू 1। और nth में क्या आएगी? 2n-1 इंटू न्यू 1। इसमें इवन फ्रीक्वेंसीज नहीं होती, इवन नहीं होता, इसमें सिर्फ ऑड होता है। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक। और इसके अंदर जो स्ट्रिंग वाला हमने पहले केस किया था, स्ट्रिंग वाला, उसमें नोट करो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में वी की जगह पुट किया था रूट ऑफ टी बाई म्यू। स्ट्रिंग में पुट कर सकते हैं क्योंकि स्ट्रिंग में टेंशन होती है, पर पाइप वाले केस में साउंड में वी को टी बाई म्यू मत पुट कर देना, साउंड में थोड़ा टेंशन होती है, वी को वी रहने देना। क्लियर है यहां तक? ठीक। ये आपका दूसरा केस है।